बढ़िया से तवा में फ्राई करके बहुत ही बढ़िया तरीके से मटर गोभी जो है फिर चावल वगैरह जैसा भी प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज आपके सामने पेश है शुद्ध शाकाहारी, ये घर में बनी तहरी। इसमें बढ़िया देखिए, ये फर्स्ट क्लास हरी मटर पड़ी हुई है और ये जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास गोभी, और ये रहा करौंदे का अचार, जिसे जो है बढ़िया से तवा में फ्राई करके बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। और ये रहा हमारा ओनियन, और ये रहा मूंग का जो है पापड़, बढ़िया पापड़। और ये रहा बढ़िया टमाटर की चटनी, जिसमें बढ़िया मिर्चा वगैरह सब डाल करके पीसा गया है, ताकि ये तहरी के स्वाद को बहुत बढ़िया बढ़ाता है। तहरी में टमाटर वगैरह सब पड़ा हुआ है मित्रों, ये देख सकते हैं आप। इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले जो है मटर गोभी और सारे जो मसाले डाल कर पड़े भुना गया, उसके बाद जो है फिर चावल वगैरह जैसा भी प्रोसेस पूरा जो है इसे हमारी भाभी माँ ने बनाया है, और इसकी महक बहुत बढ़िया आ रही है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये रही चटनी। दोस्तों, जैसे हम लोग तीखा पसंद करते हैं खाना, वैसा चटनी बनी है और तहरी भी। प्यार की मीठा है। और ये रहा मूंग का पापड़, जो कि तहरी के स्वाद को बढ़िया बढ़ाता है। और ये रहा करौंदे में जो मिर्चा पड़ा है वो क्या तीखा है करौंदा। भाई मजा आ गया, खाने का मजा तो हाथ ही से है। बड़ा मजा आ रहा है करौंदे का अचार खाने में। इसको ये किया, इसमें डाला बढ़िया चटनी, इसको फिर यूं किए, हरी मटर गोभी वगैरह एकदम जोरदार लग रही है। दोस्तों, मूंग का पापड़ मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं खाने के साथ ढेर सारा पापड़ खा सकता हूँ, लेकिन खाने के साथ ऐसे नहीं। खाने के समय मुझे मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं। मजा आ रहा है।
वेट करके बढ़िया मिला लिए। गरम में रखने की वजह से थोड़ा मूंग का पापड़ हो गया, लेकिन टेस्ट मेंटेन है। ले लिया, इसमें सब बढ़िया मिलाया। अब ये इसको ऐसे ये से अच्छे से मिला लिए। इसको रखो ऐसे, ये सना इसको ये परफेक्ट देसी स्टाइल। पूरी तरीके से समाप्त। दोस्तों तहरी बहुत ही बढ़िया बनी थी और करौंदे का अचार हरी मिर्च के साथ जो है बढ़िया तवे पे तुरंत ही ताज़ा ताज़ा बनाया गया था। टमाटर की चटनी, मूंग का पापड़, प्याज और तहरी में जो बढ़िया मटर गोभी वगैरह जो पड़ी थी मसाला वगैरह एकदम ज़ोरदार तरीके से टेस्ट मार रहा था। दोस्तों ये सच है, बहुत ही मज़ा आ गया खाने में। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके सामने एक से एक वीडियो जो है खाने पीने की मैं पेश करता रहूं, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग जो है यदि मेरी इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है स्वादिष्ट है भाई, प्लीज़ उसे लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। जब आप लाइक फॉलो करते हैं तो उससे हमें
प्रोत्साहन मिलता है और हम फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। दोस्तों, मैं अनबॉक्सिंग भी करूंगा बाहर के खानों की, घर पे जोमेटो वगैरह से मंगा करके खुद रेस्टोरेंट वगैरह जाऊंगा भी धीरे धीरे करके। अभी मैं सारे प्रोसेस पे आ रहा हूं और एक से एक बढ़िया आपको खाने पीने की वैरायटी देखने को मिलेगी। और हाँ, जो लोग मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।